आज क्या बनेगा में आज हम बनाएंगे हैदराबादी चिकन दम बिरयानी। हैदराबादी चिकन दम बिरयानी बहुत ही पॉपुलर डिश है और ये बहुत ही इकोनॉमिकल तरीके से घर पर बनाई जा सकती है। अगर आपको दावत देनी है तो चिकन दम बिरयानी एक कंप्लीट मील होता है। इसमें आपको चिकन और चावल दोनों एक साथ पकाने को मिल जाएंगे और आप 15 से 20 लोगों का खाना एक ही बार में तैयार कर सकते हैं और वो भी बहुत कम पैसे लगने पर। मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चिकन दम बिरयानी को बनाने का प्रोसेस दिखाया है। इस तरीके से अगर आप चिकन दम बिरयानी बनाएंगे तो बहुत ही लजीज बनकर के तैयार हो जाएगी और लोग भी आपकी तारीफ करेंगे। अगर आपको ये प्री कैप देखने से मेरी बनाई हुई हैदराबादी चिकन दम बिरयानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो आइए हम अपनी हैदराबादी चिकन दम बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहला स्टेप है, 1 किलो चावल को हमने आधे घंटे तक भिगो करके रखा था। 1 किलो चावल को पतीले में भिगोने के बाद उससे 1.5 गुना ऊंचाई तक पानी डालकर इसे उबलने के लिए रख दिया है और साथ ही 1 बड़ा चम्मच भर के नमक और थोड़े से तेज पत्ता डालकर इसे उबाल लेंगे। इसी उबलते हुए चावल पर 1 कटोरी पानी हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। कुछ देर बाद जब हम चावल को चेक करते हैं तो चावल ऐसे बहुत ही मुश्किल से खींच कर तोड़ने पर टूट रहा है, जिसका मतलब ये है कि चावल अभी आधा कच्चा है, आधा पका है। अब हम इस चावल में से पानी निकाल कर सारा पानी निचोड़ कर इस चावल को फैला देंगे। एक खुले बर्तन में चावल को फैलाने से चावल अच्छे हो जाएंगे। दूसरा स्टेप है मैरिनेशन। उसके लिए हमने लिया 1 किलो चिकन, ढेर सारा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 4 बड़े प्याज जिन्हें हमने तल लिया है तेल में, उसके अलावा 4 चम्मच बिरयानी मसाला, इसकी वीडियो देख सकते हैं, कुछ कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ी सी हरी इलायची, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। मिर्ची बिरयानी मसाला में भी है, काली मिर्च भी होगी, हरी भी होगी, तो आप अपने हिसाब से मिर्ची लें। और नमक 1 चम्मच, नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, 2 बार डल चुका है, चावल में भी डला है और अब चिकन में भी डलेगा। ये सारे सूखे मसाले और धनिया और आधा धनिया और आधे भुने हुए प्याज हम डाल देंगे। ये सारे मसाले मैरिनेशन में जाएंगे। शुरू में मैरिनेशन के लिए हमें और जो जो चीजें चाहिए वो है 200 ग्राम दही, 1 प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट, 50 ग्राम प्याज वाला तेल जिसमें हमने प्याज तल लिए थे और 1 नींबू का रस। 1 नींबू का रस काफी रहेगा, नींबू टेंडराइजर की तरह से काम आता है। 1/2 बारीक कटा हुआ धनिया और 1/2 भुना हुआ प्याज और 4 चम्मच घी और दूध में भीगा हुआ केसर हम सबसे आखिर में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम इन्हें रख लेंगे। ये सब मैरिनेशन में नहीं जाएगा, ये लास्ट में आएगा चावल के ऊपर। तब तक हम मैरिनेशन करते हैं। लहसुन पेस्ट, दही डाल दें, नींबू डाल दें, सूखे मसाले सभी डालकर और तेल डालकर, प्याज वाला तेल मिलाकर भुने हुए सूखे प्याज डालेंगे, थोड़ा सा क्रश करेंगे और थोड़ा प्याज हम बाद के लिए छोड़ देंगे। और इसी वक्त हम हरा धनिया डालेंगे, अगर आपके पास पुदीना है तो आप वो भी डाल दीजिए। ये सब जो हर्ब्स हैं ये बहुत ही हेल्दी होती है, इससे मैरिनेशन में एक फ्रेश टेस्ट आ जाएगा। अच्छे से सारे मसाले और मैरिनेशन का ये जो मिक्स है इसे मिला लेंगे। हम चाहते हैं कि चिकन के ऊपर चारों तरफ ये सभी चीजें लग जाएं। और चिकन को हम लगभग 1 घंटा तक मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अगर हम यहाँ पर गोश्त का इस्तेमाल करते, मटन या बीफ का इस्तेमाल करते तो हम उसे 3 से 4 घंटे तक मैरिनेट करते और साथ में हम बिरयानी वाले पाउडर में कचरी जरूर डालते, पर चिकन के लिए पकना आसान होता है इसलिए कचरी नहीं भी होगी तो भी पक जाएगा। अब हमने एक बड़ा सा पतीला लेना है या एक देग लेनी है, उस देग में सबसे नीचे मैरिनेट किया हुआ सारा चिकन डाल देंगे। इसे बहुत देर तक पकाना नहीं पड़ता है, हैदराबादी दम बिरयानी बनाना बहुत ही आसान है। सीधा हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन डाला, उसके ऊपर थोड़ा सा भुना हुआ प्याज डाला और थोड़ा सा धनिया डाला,
और अपना 1 किलो चावल जो उबला हुआ है उसे हमने खिलाने के लिए रखा हुआ था उसे फैला फैलाकर ऊपर से बुरक रहे हैं। चावलों की लेयर काफी मोटी होगी क्योंकि हम ये ज्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं। और फिर हम दूध में भीगे हुए केसर को फैला रहे हैं। अब हमने जो कटोरी पानी गर्म किया था उसी गर्म पानी में अपना घी डाल दिया है। घी के अंदर हल्दी डाली है। मैं कलर इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ इसलिए हल्दी और केसर डालकर इसे ऐसे फैला दिया। आप कैसे भी डाल सकते हैं, मैं ऐसा सजाने के लिए कर रही हूँ। और आप जितना मन से बनाएंगे खाना उतने ही मन से सब लोग खाएंगे, उतना ही अच्छा स्वाद भी आएगा। और इधर एक खाने में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया फैला दिया है, दूसरी तरफ भुने हुए प्याज फैला दिए हैं। ऐसे ही थोड़ा सा हरा धनिया थोड़ा सा प्याज फैला देंगे। अब बारी है दम देने की। उसके लिए हमने पतीले के ऊपर गूथे हुए आटे को लंबा लंबा करके चपटा किया है। चपटा करके बिल्कुल पतली पतली सी एक लेयर पतीले के किनारे के ऊपर जो चौड़ी सी पट्टी होती है उस पर लगाकर चिपका दी है। और उसके ऊपर एक बड़ा सा ढक्कन जो इस पतीले के साइज का ढक्कन है, मैं स्टील की प्लेट इस्तेमाल कर रही हूँ, उसे लगाकर थोड़ा सा दबाते हुए चिपका देंगे। पकते समय आटा पक जाएगा इसीलिए इसके ऊपर हम भारी वजन का सामान रख दे रहे हैं। मैंने चकला इस्तेमाल किया है, आप ओखली या कोई और दो बर्तन या अगर कुछ नहीं है तो भरा हुआ पतीला रख करके दम दे दे। लगभग 35 से 40 मिनट तक मध्यम आंच पर ये बिरयानी दम में पकी है। और हमने चक्कू की मदद से जो आटा लगा है उसको काट काट कर निकाल दिया है। और खोलने के बाद बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये एक्स्ट्रा आटा हम यहाँ से निकाल देंगे, हमारी बिरयानी एकदम तैयार है। चावल एकदम खिला खिला सुंदर सा पक गया है, देखने से ही बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। बिरयानी को निकालने का तरीका थोड़ा सा खास है, उसके लिए हमें एक स्टील का चम्मच या स्टील की प्लेट लेकर पतीले के किनारे से होते हुए नीचे तक जाकर उठाना होता है। मैंने थोड़ा चावल उठाया, थोड़ा धनिया डाला, थोड़े भुने हुए प्याज डाले और अब मैं नीचे से बिल्कुल अंदर से मसालेदार पका हुआ चिकन निकाल रही हूँ। अब ये जो चिकन है और ये चावल इसके ऊपर लिपटे हुए आए हैं, इससे हमारा खाना चिकन दम बिरयानी सर्व की जाएगी। अभी भी मेरी बिरयानी में हल्की सी नमी ज्यादा नजर आ रही है, जिसका मतलब यह है कि हम इसे खुला रख देंगे थोड़ी देर और ये थोड़ी सूखी हो जाएगी। नहीं तो अगर मैंने इसे अब फिर से ढक दिया तो ये बहने लगेगा, चावल सोगी हो जाएंगे। क्योंकि मैंने छोटी मुर्गी का चिकन इस्तेमाल किया था तो वो बहुत आसानी से और जल्दी पक जाता है, इसलिए 30 से 35 मिनट में ही मैंने इसे खोल दिया है। आप बड़ी मुर्गी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 45 मिनट तक जरूर पकाएं। और वैसे भी पानी के बनने की आवाज आनी जब बंद हो जाती है तो हमारी बिरयानी तैयार हो जाती है। आप भी बनाइए। मेरी कुछ आने वाली रेसिपीज में से कुछ रेसिपीज के तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें है भरवा सत्तू बाटी, मक्की के गट्टों की सब्जी, तहरी चावल की सोयाबीन वाली तहरी मैंने बनाई है, आलू दम या दम आलू जिसे कहते हैं, और चिड़ा मटर के स्नैक्स, गांठ गोभी की सब्जी, मूली गाजर और गोभी का मीठा और खट्टा अचार, स्ट्रॉबेरी केक विद चॉकलेट्स, स्ट्रॉबेरी जैम से भरे हुए मफिन्स टेडी बियर शेप के, ब्रेड के गुलाब जामुन, चिली चिकन जो देखने में बहुत ही रंगीन है और इसका स्वाद बहुत ही शानदार बना है, ड्राई फ्रूट पोहा,
चिली प्रॉन्स, प्लीज मुझे बताइए कि मैं इनमें से कौन सी रेसिपी पहले अपलोड करूं। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।